नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। उम्र मत पूछो उनकी जो इश्क में खोए रहते हैं, वो हर वक्त जवां रहते हैं जो मोहब्बत की आंखों में खोए रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे, और जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। अच्छा वक्त जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है, इसलिए आपको भी सब्र रखना होगा, जरूर वक्त आपका भी आएगा। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा ही धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वक्त ने फसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूं मैं, हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं मैं। इसलिए आपको भी हालातों से हारना नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनिए कि जो हर हालात में जीत हासिल कर सके। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बातों में होता है। जिंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल देता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, मगर घोंसले में नहीं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है, और जिंदगी की हर शाम एक तजुर्बा दे के जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है शुभ रंग रहने वाला है ग्रे, और शुभ अंक यानी कि लकी नंबर रहने का आज का नंबर 6। आज आपको कुछ समय से चली आ रही जो मुसीबत है, उनका आज सॉल्यूशन मिल सकता है। आज बहुत सी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपके साथ। संसाधन और सहायता आसानी से मिल पाएगी। भाई बहनों का प्यार भी बखूबी मिलेगा। केवल अपने ईगो पर काबू रखना होगा, नहीं तो इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। सभी के लिए मन में विनम्रता की भावना रखिएगा। और हाँ, बदलते समय में असमंजस के कारण मन में परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ये केवल जो है एक फेज़ है जो कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि कुछ ही देर के लिए है। संयम से काम बरतना होगा, और अपना फोकस जो है अपने काम पर और अपनी जिम्मेदारियों पर बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं बनाएंगे तो स्थितियां जो है डावाडोल हो सकती है। इसलिए फोकस करना आज के दिन बेहद इम्पॉर्टेंट है। चंद्र राशि के अनुसार आप अपने सभी कार्यों को बेहतरीन तरीके से आज कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे आपकी जो छिपी हुई जो टैलेंट है, योग्यता है, वो भी सामने आ सकता है लोगों के। मान सम्मान बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी। घर के सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की आप खरीदारी भी कर सकते हैं। आज आप अपने किसी खास को आज कोई तोहफा भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, आज आपको अपने क्रोध और जल्दबाजी वाले स्वभाव पर काबू रखना होगा। आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ भी कोई कहा सुनी होने की आशंकाएं बन रही हैं, जिससे कि रिश्तों में जो है कड़वाहट भरी हो सकती है। तो इस बात का आज आपको ख्याल रखना होगा। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष भी रहेगा। आपको लोगों से कुछ प्रतिक्रियाएं भी मिल सकती हैं। मुमकिन है कि कुछ वरिष्ठ लोगों को आपकी कार्यशैली से कोई एतराज़ हो। आपको अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप बदलना होगा। आज आप कुछ भावुक भी हो सकते हैं, इस कारण आपका कुछ समय पुरानी बातों को सोचने या फिर उन यादों में गुजर सकता है। देखा जाए तो आज वैसा दिन नहीं रहेगा जैसा कि आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो दिन है वो बहुत ही बढ़िया रह सकता है, ये कहा जा सकता है। आज आप अपने विश्वास और कार्यक्षमता के जरिए स्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें सफलता आप हासिल कर ही लेंगे। यानी कि शाम तक आपका जो काफ़ी हद तक जो दिन है वो बहुत ही शानदार हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो। पैतृक प्रॉपर्टी जो है, अगर कोई मामला ऐसा वैसा रुका हुआ है तो आज उस पर आपको ध्यान फोकस करना होगा। सफलता के योग नज़र आ रहे हैं। बाहरी व्यक्ति व दोस्तों की सलाह आपके लिए आज नुकसानदायक हो सकती है। बेहतर तो यही होगा कि आज आपको घर वालों की सलाह लेनी चाहिए, और हाँ, ज़रूरी हो तो एक्सपर्ट की। इसीलिए उनकी बातों पर विश्वास ना करें, अपने फैसलों को ही सर्वोपरि रखिएगा।
साथ ही अपने कार्य को जो है प्रति आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें, आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की, तो व्यवसायिक गतिविधियाँ पूर्वत ही रहेंगी, यानी कि पहले जैसी रहेंगी। मेंटेनेंस संबंधी कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसीलिए अपनी बजट का भी आपको ध्यान रखना होगा कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं, बल्कि वही काम करें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्की संबंधी योग भी बन रहे हैं। काम पर फोकस रहेगा, लेकिन आपको अपने भीतर कुछ बदलाव भी लेकर आना पड़ेगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसके अनुरूप बन जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नवीन कार्य संबंधी अपने जो योजना बनाई हुई है उस पर आपको आज एकाग्रचित होकर काम करना पड़ेगा। आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे संकेत कर रहे हैं आपके सितारे, और आय के नए स्रोत भी आपसे जुड़ेंगे। नई नई डील्स फाइनल हो सकती हैं, नए लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं। आपको तो कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने चाहिए इस समय में। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। सितारे कह रहे हैं कि बॉस आपके काम से बहुत ही खुश रहेंगे। इसके साथ ही आपको अपने नए बॉस का साथ भी मिल सकता है। आप महान सफलता के लिए सक्षम हैं, इसलिए आपको वो हर चीज़ मिल सकेगी जो उसके लिए आप हकदार हैं, यानी कि वो आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए और जो आपने सोचा हुआ था। बस आज जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है आज आपको, और अधिकारी वर्ग को ऑफिस में ज़्यादा अनुकूलता रह सकती है, इसलिए इस चीज़ का जो है आज आपको ध्यान भी रखना होगा। और हाँ, याद रखिए कि आपके जो काम करने वाले जो सभी हैं कर्मचारी हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं, उनकी हर एक चीज़ पर आपको नज़र रखनी होगी। तो चलिए, बात की हमने बिजनेस और करियर की, बात करते हैं आगे लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा, साथ ही साथ में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा, उनका स्नेह मिलेगा। इसी के साथ ही आप अपने दोस्तों के लिए अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, वे तुम्हें जो है वापस प्यार करेंगे, यानी कि आप दोनों में काफ़ी रोमांटिक चीज़ें रहेंगी आज के दिन। अगर आप एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आप में बहुत सारी चीज़ें जो हैं सोल्यूशन हो सकता है उन चीज़ों का जो पहले से मुश्किल थी। इस बात का आपको आज को फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आज जो है बहुत ही प्रेम भरा मौसम रहेगा आपके लिए। साथ ही में आज आपको कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा आ सकती हैं। अपनी भावनाओं को बस काबू में रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। पति पत्नी के बीच में किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है, लेकिन शाम तक यूँ है आपका माहौल बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। ज़रा सी समझदारी आपका जो वातावरण है घर का, उन्हें दोबारा खुशनुमा और बहुत ही खुशहाल बना सकती है। तो हमेशा खुश रहिए, मैं तो कहती हूँ कि लड़ाई कभी करनी ही नहीं चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो तनाव के कारण आज डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां बढ़ सकती हैं। आपको खाने पीने की चीज़ों पर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। साथ ही साथ में आज आपको कुछ पुरानी जो बीमारियां चली आ रही थी उनसे निजात मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, बुज़ुर्गों को आज घुटनों में दर्द रहेगी। सेहत में अगर परेशानी हो रही है तो आपको थोड़ी बहुत जो है मेडिटेशन ज़रूर कर लेना चाहिए। असली कारण जो है आज सितारे कह रहे हैं कि मानसिक परेशानी है ज़्यादातर आप में से कुछ लोगों को, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, तुमको तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कुछ समय से चल रही सिर दर्द या माइग्रेन जैसे दर्द है वो भी ठीक हो जाएंगी। गर्मी से बचाव रखिएगा। आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको घर से निकलते वक्त जो है हल्दी चंदन का तिलक लगाना चाहिए अपने माथे पर, इससे बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।